हर जगह पूरा लगता भी है। बच्चों के लिए कपड़ा फैलाने के लिए इनको हैंगर दे दिया गया है, हैंगर में अपना कपड़ा टांगते और खूंटी पे लगा देते। 50 फीट का रोड है, इंशाल्लाह बन जाएगा। तो औरतें वहाँ से रोड से आएंगी और यहाँ से निकलकर और इस दरवाजे से मस्जिद के नीचे चली जाएंगी। औरतें यहाँ से आती हैं इस दरवाजे से। ये मच्छर से बचने के लिए जाली लगाई गई है कि दरवाजा अगर उधर खुल जाए तो ये जो है यहाँ से आइए। ये मस्जिद के हुक्म में नहीं है, ये मस्जिद के हुक्म में नहीं है। और ये पूरा रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह जुमा में भी आने की इजाज़त है और रमज़ान में मुस्तकिल तरावी में सब औरतें आती हैं, दर्स होता है, सब कुछ होता है। और ये जिम है बच्चों के लिए। और भी सामान है, अभी कुछ और आना है। साढ़े 3,000 स्क्वायर फीट है ये मस्जिद। निकाह का तो निकाह में यहाँ औरतें बैठा दी जाती है, दुल्हन वगैरह पूरा इसका बना दिया जाता है और वहाँ निकाह की पूरी कारगुजारी जो है ना वो यहाँ से रिले होती रहती है इस टीवी से। ये उनका अलग टॉयलेट है। इसमें एक चीज है जो बहुत कम जगह पर होती है, ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये डायरेक्ट चैम्बर से कनेक्ट है। तो जब चैम्बर से कनेक्ट होता है तो बदबू आने के ज्यादा चांसेस। आप देखें यहाँ बदबू आ रही है नहीं, वजह क्या है कि हर टॉयलेट के उसके शीट में एक वॉल लगा हुआ है, जब इसके ऊपर गंदगी गिरेगी तो ये ऐसे हो जाएगा और फिर उसके बाद पैक हो जाएगा। देखिए मैं भी आपको दिखलाता हूँ।
एक आवाज आएगी खट से। हालांकि ये महंगा नहीं है कोई, 190 रुपए का एक मिलता है होलसेल में। पानी जब गया तो ऐसे हो गया वॉल, उसके बाद वॉल आकर के पैक हो गया, क्योंकि ये चेंबर से डायरेक्ट कनेक्ट है, इसलिए ये सारे इसमें भी एक कमोट है, कमोट यहाँ भी है, तो उनके नहाने का अलग से नज्म है। और ये जो है ये वजू खाना उनका, सर बदलने के लिए, जब औरतें आए कोई औरत ऐसी हो जो छोटा बच्चा हो तो उसको पेपर बदलने के लिए अलग से इंतजाम किया। यहाँ कूलर लगना है, अभी आया नहीं है, पानी का कूलर उनका अलग, मतलब उनका पूरा निजाम अलग। ये बंद कर दिया जाता है तो फिर मर्दों से डिस्कनेक्ट हो जाता है, उधर ही से आना है उधर ही से जाना है।